अच्छे नाम आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आज के लिए। आज नेहा फिल्म एसोसिएशन की तरफ से अवार्ड फंक्शन था और मशहूर डायरेक्टर राजू सर यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे जानते हैं यहाँ पर कैसा अवार्ड फंक्शन हुआ। राजू सनी, सबसे पहले आपका हमारे आज के लिए स्वागत है। तो आप इस अवार्ड फंक्शन के बारे में बताइए, अवार्ड फंक्शन कैसा हुआ और किस तरीके का रहा? सर, मैं तो ज़्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि अवार्ड फंक्शन में मुझे स्पेशल गेस्ट के हिसाब से आया गया, तो खूब बढ़ा। तो राजू सनी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, तो उनके साथ इनकी सभी टीम यहाँ मौजूद है। स्वागत है आज के लिए। सबसे पहले मैं आपकी टीम को थैंक करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे टीम को यहाँ याद किया। और रही बात कि निया फिल्म एकेडमी अवार्ड फंक्शन जो हुआ है, निया फिल्म एक्टर एसोसिएशन के द्वारा नितिन भाई, हमारे अवेश मास्टर और हमारे मसूर सर के लिए, जिन्होंने यहाँ हम जैसे फनकारों को बुलाकर हौसला दिया, हिम्मत बढ़ाई और हमारी टीम राजेश सनी इंटरटेनमेंट को खास तौर से यहाँ बुलाकर एक नया रूप दिया और लगातार हम फनकारों को हौसला दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। प्रोग्राम जो हुआ ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ है। यहाँ पे सीनियर कलाकारों को जो सम्मान मिलता है उससे इस प्लेटफॉर्मों में नए नए कलाकारों को हौसला मिलता है काम का। और आज जिस तरह से अखिल सिंगर ने गाना गाया है, तो आज तक अभी जिसने यहाँ पे सिंगर ऑडियंस में होंगे उनको एक हिम्मत मिलेगी कि इस तरह से गाना गाया जाता है नए लोगों के लिए। और आप बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं सर थैंक यू बोलूँगा अपने नासिर भाई को और राजू सनी टीम को पूरी, जो आज हमें अवार्ड मिला है उनकी मेहनत का नतीजा है। हम लोग सबको अवार्ड मिला है और सबसे ज़्यादा मोहसिन भाई को जो हमने फ्लैग समझा। जी हाँ, बिल्कुल सही। मैं माजिद भाई की बात से सहमत हूँ। ठीक ही कहा इन्होंने कि राजू सनी सर है, उनकी वजह से हमें अवार्ड मिला है। टीम की तरफ से मैं इन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारी खुशनसीबी है कि दोबारा इस मंच पर परफॉर्म करने का मौका मिला। मोहसिन भाई और उनके वालिद मोहसिन भाई का हम राजू सनी टीम की ओर से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें आगे भी ऐसा परफॉर्म करने का मौका मिले। शुक्रिया, थैंक यू। मौका दिया जा रहा है, ये मेरी लाइफ का पहला प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। मैं फिल्म एक्टर एसोसिएशन को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ और राजू सनी इंटरटेनमेंट की जानिब से बेहतरीन मेरे को ये राजू सनी आज हमको इतने इस मुकाम तक लेकर आए, उनको अवार्ड से नवाजा गया। मैं इतना ही कहूँगा कि फिल्म एक्टर एसोसिएशन हर आगे बढ़े, अल्लाह इनको और तरक्की दे और इनको मुकाम तक पहुँचाए। थैंक यू। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि नया प्रोडक्शन वालों ने, हमारे नसीम सर और हमारे मोहसिन सर ने, इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है अवार्ड का। ऐसा प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि हर जगह होना चाहिए, जिससे आर्टिस्ट को हौसला मिलता है और एक फिल्म अच्छा करने का एक मौका मिलता है। बस मैं इतना ही कहूँगा। नहीं आज निकल जाए, हम लोग आए हैं, नसीम भाई ने हमको यहाँ पर बुलाया है और नसीम भाई हर साल यहाँ पर ये प्रोग्राम करते हैं। तो हमें खुशी है कि यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट हैं महाराष्ट्र के, ये उनको बुलाकर उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको इजाज़ देते हैं। जो लोग आए हैं उनकी तरफ से भी हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और जो लोग नहीं आ पाए हम उनकी तरफ से भी शुक्रिया अदा करते हैं। आज फिल्म एक्टर एसोसिएशन द्वारा आयोजित नया फिल्म अवार्ड फंक्शन हर 2010 से आयोजित किया जाता है और ये नए जो कलाकार रहते हैं शॉर्ट फिल्म, इसलिए ये लोग कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए नया फिल्म अवार्ड रखा जाता है कि इनको मंच नहीं मिलता है, इसलिए ये अवार्ड रखा जाता है। या ठिकाणी हा जो फिल्म ॲक्टर असोसिएशनचा कार्यक्रम ठेवण्यात आलेला आहे, तर याचा उद्देश म्हणजेच महाराष्ट्रभरातल्या असंख्य कलाकारांचं जे हिरमोड वगैरे होतात त्यांना एक हक्काचे व स्वतःच्या मालकीचे व्यासपीठ मिळावे या अनुषंगाने फिल्म ॲक्टर असोसिएशन 2010 हा कार्यक्रम यशस्वीरित्या राबवतो आणि त्यामध्ये महाराष्ट्रभरातले जो काही मागासलेला भाग आहे
त्या त्या कलाकारांना एक प्रोत्साहन देण्याचा हाच एक उद्देश आहे. धन्यवाद. उपस्थित राहिले शक्यतो माझी येण्याची शक्यता कमी होती, परंतु मी या ठिकाणी आले. सगळ्यांचे परफॉर्मन्स आवडले, आवड छान रीतीने पार पडला. धन्यवाद. आज फिल्म एक्टर असोसिएशन की ओर से नेहा अवार्ड फंक्शन का आयोजन यहाँ औरंगाबाद में किया गया, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसा था कि जो भी नवनीत कलाकार है विदर्भ मराठवाड़ा खानदेश, तो इनको एक स्टेज और एक व्यासपीठ उभार के दिया जाता है फिल्म एक्टर एसोसिएशन की ओर से, और इस बिछड़े हुए कलाकारों को एक संधि देने का काम फिल्म एक्टर एसोसिएशन करके आई है और आगे भी करेंगे. और फिल्म एक्टर एसोसिएशन के माध्यम से, नेहा न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम सभी को काम देते भी रहते हैं, और आगे हमारे जो भी कलाकारों पर अन्याय अत्याचार होता है वो तो इस माध्यम से हम उसका पाठ पुरावा करते हैं. कितने साल से चल रहा है? तकरीबन 2010 से हम इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं. हर साल साल में 3 प्रोग्राम फिल्म एक्टर एसोसिएशन के औरंगाबाद जालना परभणी ऐसे करा रहते हैं. कार्यक्रम मी फर्स्ट टाइम आले, पण मला खूप छान वाटलं. सगळ्यांनी माझं अभिनंदन केलं, सगळ्या गोष्टी खूप छान वाटलं, आणि प्रोत्साहन पण खूप छान भेटले मला, आणि येऊ खूप मस्त वाटलं मला. धन्यवाद.